Assalamu alaikum. So today, after we learn about fragmentation, we are going to now learn what is the physical damage. Hard disk pe jo physical damage kya ho sakti hai. Fragmentation ka to aapko pata chal gaya ke jab disk drive ke upar जब एक ही फाइल जो है गेट स्कैटर्ड ऑल ओवर द डिस्क राइट और वो टू बी कॉल द डिस्क इज फ्रेगमेंटेड और द फाइल इज फ्रेगमेंटेड और फ्रेगमेंटेशन क्यों होती है कि व्हेन योर फाइल्स बिकम्स बिगर इन साइजेस फाइल का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको नेक्स्ट ब्लॉक नहीं मिलता मसलन आपकी ये फाइल थी ये ट्रैक था इसमें इन ब्लॉक पर फाइल पड़ी हुई थी राइट अब फाइल का साइज बड़ा हो गया बट अब जगह नहीं इस ब्लॉक पे यहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई दूसरी फाइल पड़ी हुई है मसलन अगर ये ए फाइल थी तो ये बी है तो नेक्स्ट वाली फाइल दूसरे ट्रैक में जाएगी और इस तरह से फाइल जो है वो गेट स्कैटर्ड दैट्स फ्रैगमेंटेशन और डी फ्रैग जो होता है वो ये होता है कि दोबारा से इन फाइलों को एक हर को एक को ट्रैक में कर देना नेक्स्ट टू ईच अदर फिजिकल डैमेज जो है वो अभी बहुत कॉमन है फिजिकल डैमेज में क्या होता है कि ओवर द टाइम जब आप हार्ड डिस्क जो है देखें वो बहुत ही यूज़ होती है इट्स रनिंग ऑल द टाइम उसमें मोटर होती है स्पिंडल होता है प्लेटर्स हैं तो बॉल बेयरिंग्स उसमें होते हैं तो इस दी वेरी कॉमन थिंग कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव जो फेल होती है इसलिए फिर कंप्यूटर्स में हम लोग टेप बैकअप्स लगाते हैं जिसमें डेटा सारा बैकअप करते हैं ठीक है कोई आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना तो लिटरली उसके साथ एक आपका जो है ना वो टेप बैकअप होता है जिसमें आप जो है वो एवरी नाइट आप जो है ना यहाँ से जो अपने डेटा जो है यू मूव द डेटा टू द टेप ड्राइव ठीक है ताकि जो है वो अगर हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप डेटा जो है वो रिकवर कर लें बैकअप टेप से तो एनी वेज फिज़िकल डैमेज जो है वो दो तीन रीज़न है उसकी एक होती है एक्सट्रीम हार्ट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के कुछ इलाके गर्म बहुत होते हैं तो वहाँ पर और या अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो उसके अंदर जो है ना वो फैंस ख़राब हो जाएं या आपके कंप्यूटर के जो एग्जॉस्ट हैं वहाँ पे वो डर्ट आ जाए तो हीट अंदर ट्रैप हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो क्योंकि जो जो हार्ड डिस्क के जो जो डिस्क हैं प्लेटर्स हैं तो ये क्योंकि ये इस सॉर्ट ऑफ लाइक मेटल तो मेटल जो है वो क्या होता है कि जब हार्ड होता है तो इट एक्सपेंड्स और जब कोल्ड होता है तो इट श्रिंक्स राइट तो देन स्लोली व्हाट हैपन्स कि जो जो आपका है ना जो डिस्क का वो स्पिन जो प्लेटर है इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू बी मैग्नेटाइज्ड राइट कि उसके अंदर जो है ना वो चल चल के ना तो वो अब आप जब उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक स्पॉट बनाना चाहते हैं ना जैसे 0101 लिख रहे हैं तो उस पर मैग्नेटिक स्पॉट अब नहीं बनता तो हम कहते हैं कि वो जिस जगह नहीं बन रहा ना तो वो कहते हैं कि ये सेक्टर जो है ये ख़राब हो गया तो पूरा सेक्टर अगर उसमें एक जगह भी स्पॉट ख़राब हो तो पूरा सेक्टर जो है वो कहते हैं कि दिस बैड सेक्टर ठीक है तो पूरा सेक्टर बैड हो गया यूजली इज कॉल्ड बैड सेक्टर सेक्टर ही होते हैं ख़राब ज़्यादा तो दैट्स वन थिंग ना एक्सट्रीम हार्ड या एक्सट्रीम कोल्ड और तीसरी रीज़न जो उसमें होती है उसमें वो होती है आप कह लें कि सडन मूव या जर्क ठीक है कि एकदम से जो है ना कंप्यूटर गिर गया उस वक्त वो कुछ लिख रहा था हैड उसके ऊपर तो एकदम से जो है ना वो द हैड जो टॉप पे था ना यहाँ पे जो उसके ऊपर लिख रहा था तो बहुत ही क्लोज होता है वो डिस्क के तो एकदम से वो कंप्यूटर गिरा राइट या उसको एकदम से झटका लगा तो वो जो हेड है रियली गॉट इट हिट द एक्चुअल प्लेटर तो उसमें उसने कुछ डैमेज कर दिया राइट तो दीज आर द रीजंस
इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखें, ये एक डिस्क है, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो एक ये मैं चले इसमें थोड़े बना देता हूँ कि सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये इसमें ट्रैक्स हैं। अब एक जो है ना फाइल पड़ी हुई थी यहाँ पर, ए ए ए ए इज़ अ फाइल, ओके, दिस इज बी बी बी। अभी ए फाइल इज ऑन फोर ब्लॉक्स, 1, 2, 3, 4। अब लेट्स से कि ये पूरा सेक्टर ख़राब हो गया, अगर तो ये वाला ब्लॉक सेक्टर 2 में ख़राब हो गया, तो अब फाइल का 1, 3 एंड 4, 2 इज़ गॉन। अब जब वो कंप्यूटर पढ़ेगा इस फाइल को, तो इट कैन नॉट रियली गेट द पार्ट ऑफ द फाइल विच वाज ऑन ट्रैक ऑन सेक्टर 2। तो वो कंप्यूटर आपको एरर दे दे, कहेगा कैन नॉट रीड, राइट, द फाइल इज़ करप्टेड और समथिंग। ये वैसे ही है जैसे आपके वो जिक्सा पज़ल्स होते हैं ना, तो आपने बाकी सारा पज़ल जमा कर दिया लेकिन एक पज़ल रह गया, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि वो मतलब वो पज़ल मिसिंग है, राइट, तो अब यू कैन मेक सेंस ऑफ द ड्राइंग। तो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक तो उससे ये मसला होता है। अच्छा, आप इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है, जो आपकी अगर डिसहार्डनिंग हो जाती है, इसको डिसहार्डनिंग भी कहते हैं, बैड सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, वो होगी तब उसको ठीक कैसे होगी, तो उसके लिए जो है ना वो एक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है, उसको यूजुअली कहते हैं डिस्क चेक, डिस्क चेक। और देर मैनी अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम उसको कहते हैं यूटिलिटी, ओके, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, क्योंकि दे हेल्प यू, राइट, फिक्सिंग दीज लिटिल थिंग्स। अच्छा जी, जो डिस्क चेक है, दिस इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इट डज इज कि ये आपके डिस्क है ना, तो जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो प्रोग्राम जो है ना वो सारे जितने भी डिस्क के सेक्टर्स हैं और ब्लॉक्स हैं उन सब पे जाके वो लिखेगा, फिर पढ़ेगा। यानी इट विल ट्राई टू पुट लाइक क्रिएट अ मैग्नेटिक स्पॉट एंड देन ट्राई टू रीड इट बैक। तो जहाँ पे उसने कुछ लिखा और दोबारा पढ़ा नहीं गया, तो उसको पता है कि ये ब्लॉक अब ख़राब हो गया, तो वो कहेगा कि ये ब्लॉक जो है ना ख़राब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आप याद रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये टेस्ट में भी हो सकता है और मैं क्वेश्चन पूछूं, कि जो डिस्क चेक है ना, इट कैन नॉट फिक्स द ब्लॉक। लेट्स से अगर ये वाला ब्लॉक ख़राब हुआ ना, तो डिस्क चेक कैन नॉट फिक्स इट। जब आप डिस्क चेक रन करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उसको फ्लैग कर देता है, वो कहता है कि एक अपने वो जो फैट होता है ना इंडेक्स फाइल एलोकेशन टेबल, वहाँ पे वो बता देगा कि ट्रैक नंबर 7 ऑन सेकंड प्लेटर इज़ यू नो आउट ऑफ ऑर्डर और हैज़ बिकम हार्ड और करप्टेड। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आपका सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेगा ना उस पर, तो उसको पता होगा कि ये बड़ी ख़राब जगह इस पर नहीं लिखना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक प्रोग्राम जो होता है वो जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हैं ना, फॉर्मेट, अगर आपको याद हो फॉर्मेटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर, कि फॉर्मेटिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि वी क्रिएट अ फाइल सिस्टम। यानी कि आपके पास एक खाली डिस्क होती है, राइट, कुछ भी नहीं होता उस पर, एंड व्हेन यू फॉर्मेट इट, फॉर्मेट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट अ फाइल सिस्टम ऑन द डिस्क। फाइल सिस्टम मीन के फाइलें उस पर कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, इट मेक्स सेक्टर्स, राइट, ट्रैक्स एंड यू नो ब्लॉक्स। तो बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे NTFS था, EXFAT, राइट, FAT 32 वगैरह वगैरह, बहुत सारे HPFS वगैरह। तो जो जब आप फॉर्मेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर डिस्क के ऊपर कोई डेटा हो ना, तो फॉर्मेटिंग erases ऑल द डेटा, एक्चुअली ऑल डेटा इज़ गॉन, ओके,
यू डन विद द डेटा। एक सेकंड का आप जो फॉर्मेटिंग पता करती है वो बहुत ही अच्छा होता है कि जब व्हेन यू फॉर्मेट अ डिस्क इट आल्सो मैप्स द बैड सेक्टर्स एंड ब्लॉक्स एटसेट्रा। जब फॉर्मेट करते हैं तो उसको कहते हो ओ दिस ब्लॉक इज बैड, तो वो उसको फ्लैग कर देगी, फ्लैग इन अ सेंस कहेगी कि ये ब्लॉक बैड है, इस पर डेटा उसके ऊपर वो कुछ क्रिएट नहीं करेगी। ये वाला ब्लॉक सिस्टम आएगा नहीं फाइल फैट के अंदर, क्योंकि वो कहेगी ये ख़राब है, ये वाला ख़राब है। तो मसला ये होता है कि जब आपकी फाइलें हों डिस्क के ऊपर तो यू कैन नॉट यूज़ फॉर्मेट। वाई? क्योंकि फॉर्मेट विल डिलीट ऑल द फाइल्स। तो यू हैव टू यूज़ अदर यूटिलिटीज़ लाइक डिस्क चेक वगैरह, राइट, या और प्रोग्राम। बट बाज़ दफ़ा इतनी डिस्क खराब हो जाती है कि आपको फॉर्मेट ही करना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स फॉर द फिज़िकल डैमेज। में एक जो है वो क्या होती है कि आपके जो प्लेटर्स हैं दे डिवेलप हार्ड स्पॉट्स, बैड सेक्टर्स, और उसकी रीज़न क्या होती है कि कॉन्स्टेंट रीडिंग राइटिंग से वो स्पॉट्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट डू इट वन मोर टाइम हियर ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो मैंने पहले दो बताई थी, अब ये तीसरी भी लिख लें साथ, मेरे जहन में आ गई, ठीक है। एक तो मैंने बताया था आपको कि एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, और सडन मूव और जर्क, ठीक है। पांचवी ये है कि वी एट ईयर जो होती है ना, वी एट ईयर मीनिंग के कांस्टेंट यूज़, उसका जो है उसको जो आपके प्लेटर्स हैं डिस्क के दे स्टार्ट डिवेलपिंग यू नो बैड स्पॉट्स और बैड सेक्टर्स वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये रिमेंबर दोस, ठीक है। एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, सडन मूवमेंट्स एंड आल्सो रेगुलर वीयर एंड टीयर यू नो ओवर द टाइम, 5 महीने 6-8 महीने जो है डिस्क चल गई। एंड रिमेंबर यू शुड ऑलवेज हैव, आई विल टीच यू गाइस लेटर, टू डिस्क और अ टेप बैकअप जिसमें आप अपना डेटा बैकअप करें, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे आपसे।